सो होंडा ने अपनी SP160 को तो हमारे इंडियन मार्केट पे तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है होंडा कंपनी से काफ़ी उम्मीदें थी कि होंडा जब भी अपनी SP160 को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करेगी तो इस पे जो है काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देगी, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बटन नेविगेशन, डुअल चैनल ABS, USB चार्जिंग पॉइंट, ऐसे फीचर्स देगी। लेकिन होंडा कंपनी ने अपनी SP160 पे ऐसा एक भी फीचर्स नहीं दिया है, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं होंडा कंपनी से। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि होंडा कंपनी ने अपनी SP160 पे कौन कौन से फीचर्स नहीं दिए हैं, इसके अलावा कौन कौन से फीचर्स देने चाहिए बाकी बाइक पे, और क्या क्या अपडेट्स होने चाहिए थे, उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट के बारे बताऊं तो वो है दोस्तों बाइक का लुक, जो कि बाइक का जो लुक है दोस्तों ये लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया है। खास करके दोस्तों बाइक का जो फ्यूल टैंक है ये काफी ज्यादा पतला बनाया गया है, जिस वजह से बाइक का जो लुक है दोस्तों वो ज्यादा स्पोर्टी नहीं लग रहा है। बाइक जो है ये देखने में कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लग रही है। तो यहाँ पे दोस्तों होंडा कंपनी को इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है इसको और मस्कुलर बनाना चाहिए था, जैसा कि होंडा की एक्सब्लेड वगैरह में देखने को मिलता है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग को इस बाइक का जो लुक है वो कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। सेकंड यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊं तो वो है दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, जो कि होंडा की दोस्तों किसी भी बाइक पे आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों होंडा कंपनी को उस बाइक पे भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस सेगमेंट में देखें तो अपाची 162 भी, जो कि इस बाइक से लगभग जो है 5,000 रुपये ज़्यादा महंगी है, लेकिन आपको उस पर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलता है, जो कि SP160 पे आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे SP160 पे भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन देना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों थर्ड नेगेटिव जो पॉइंट है वो है दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, जो कि बाइक पे दोस्तों आप लोग को डुअल चैनल ABS देखने को नहीं मिलता है, जो कि अगर आप देखें तो 160cc सेगमेंट में काफी सारी ऐसी बाइक्स हैं जिस पे आप लोग को डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, लेकिन आपको SP160 पे डुअल चैनल ABS देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग बताएं कि बाइक पे जो है डुअल चैनल ABS होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए था, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। इसके अलावा दोस्तों बाइक पे जो है USB चार्जिंग पॉइंट भी देना चाहिए था, जो कि बाइक पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों होंडा कंपनी को अपने SP160 पे कुछ ये सारे अपडेट्स करने चाहिए थे। बाकी दोस्तों अब आप लोग बताइए कि आप लोग के हिसाब से बाइक में और क्या क्या अपडेट्स होने चाहिए थे, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।